सभी दोस्तों को राजेश पुनिया का नमस्कार। दोस्तों आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम के अंदर जो जीके का पेपर है उसमें जनरल साइंस जो दी गई है उस जनरल साइंस का सबसे लास्ट जो टॉपिक है सतत विकास के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में और अभी हाल ही में COP24 जो सम्मेलन आयोजित है वो किया गया दिसंबर 2008 में, जो जो जनरल साइंस में भी और आपके करंट जीके के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये COP24 सम्मेलन रहेगा, उसके बारे में जो चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो आपको यदि वीडियो की स्क्रीन अच्छी तरह से है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हो तो वीडियो के ऊपर है वो क्लिक वो कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के तीन ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, तीन टैब हैं वो दिखाई देंगे, वहाँ पर वो क्लिक वो कीजिए। क्वालिटी नाम का ऑप्शन है वो आएगा और अपने मोबाइल की क्वालिटी को है वो बढ़ा लीजिए, आपका जो वीडियो की जो स्क्रीन है वो स्पष्ट नज़र है वो आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को है वो लाइक ज़रूर है वो कीजिएगा, मेरे जो चैनल को है वो जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब है वो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन है वो आता है और उस बेल आइकॉन को प्रेस है वो कर लीजिए, आपको तुरंत वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन जो प्राप्त है वो हो जाएगा। कई जो दोस्तों ने है वो सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, उसके कारण से उनको समय पर है वो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त है वो नहीं हो पाता। तो समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य जो प्रेस है वो कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने जो अभी तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो बनाए हैं उनके लिंक हैं वो भेजे हैं। इसके अलावा मेरे जो टेलीग्राम जो चैनल है और फेसबुक पेज है उसका भी चैनल है वो भेजा है, उसको भी है आप है वो जो लाइक है वो कर लीजिए, जिससे है आपको वो तुरंत है वो जो मेरे वीडियो की जो सूचना है वो मिल जाए। तो दोस्तों चलिए हम आज के जो टॉपिक पे हैं वो चर्चा है वो करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आती है सतत विकास है वो क्या होता है। सतत विकास इसे ही है किसके नाम से जानते हैं, टिकाऊ विकास के नाम से भी है इसको वो जाना जाता है। सतत विकास है इसको जो सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा बर्टलैंड आयोग ने वो दी थी। किसने वो दी थी सबसे पहले, बर्टलैंड आयोग है वो था, उस बर्टलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा है वो दी थी। पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए इस आयोग का गठन यूएनओ के द्वारा वो किया गया था। कब किया गया था, यूएनओ के द्वारा है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा है पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए इस आयोग का गठन वो किया गया था। दोस्तों 1972 के अंदर है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर है जो स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित था वो किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण संबंधों पर विचार जो किया गया और उसी जो सम्मेलन के अंदर है पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए है यूएनओ ने कदम उठाए। और जो उसने यूएनओ ने है जो आपके पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए है इस जो बर्टलैंड आयोग का गठन है वो कर दिया। दोस्तों सतत विकास जो शब्द है इसका पहली बार है इसी बर्टलैंड आयोग ने है सतत विकास शब्द का प्रयोग है वो किया था। उसने इस शब्द का प्रयोग है इस आयोग ने 1987 में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वो किया था। इस आयोग ने है जो हमारा साझा भविष्य नामक एक पत्र है वो निकाला था। कौन सा, हमारा साझा भविष्य यानी ओवर कॉमन फ्यूचर नामक एक पत्र है प्रकाशित वो किया था और उसी पत्र के अंदर सबसे पहले जो है वो सतत विकास शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। दोस्तों अगली बात है बर्टलैंड के अनुसार सतत विकास का क्या अर्थ होता है। सतत विकास वह विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए वो करती है। अर्थात इसके अंदर है वो यानी वर्तमान जो पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यानी हमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और साथ में दूसरी पीढ़ी को भावी पीढ़ी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से यानी कोयला पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन है इनका अत्यधिक दोहन हम करते जा रहे हैं और इनका लगातार इसी प्रकार से अत्यधिक दोहन वो करते रहे तो आने वाले 50 सालों के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या करेंगी। तो इसी जो इनका बिना उपयोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इनका उपयोग करना बंद है वो कर दें। तो सतत विकास में क्या कहा गया कि हम इन संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग हम करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान है वो नहीं हो, तो वही क्या कहलाता है सतत विकास या टिकाऊ विकास है वो कहलाता है। इसके अंदर बताया गया कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए जो विकास किया जाता है वही सतत विकास होता है, यानी अपने जो पर्यावरण एनवायरनमेंट है अपनी जो पारिस्थितिकी जो यानी अपना इकोसिस्टम है उसको संरक्षित रखते हुए जो विकास हम करते हैं उसी को सतत विकास के नाम से हम वो जानते हैं। इस सतत विकास के तीन प्रमुख स्तंभ हम होते हैं कौन कौन से, एक तो आर्थिक विकास, एक पर्यावरण संरक्षण और एक सामाजिक समान
उनको जो सम्मिलित है इस जो सतत विकास के अंदर है वो किया जाता है। संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों की नीतियों में इन तीनों स्तंभों का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी संपूर्ण विश्व में जो भी राष्ट्र अपनी नीतियाँ बनाता है तो उसमें तीन चीज़ों का बहुत ध्यान वो रखता है। एक तो आर्थिक विकास का है वो ध्यान रखता है कि खुद का आर्थिक विकास हो, एक पर्यावरण को भी किसी प्रकार से नुकसान है वो नहीं हो, एक सामाजिक समानता उत्पन्न है वो हो। देखो बर्टलैंड आयोग है वो था, उस बर्टलैंड आयोग ने जो हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट जारी है वो की थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सभा बुलाई है वो गई थी, ठीक है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय सभा को ही रियो सम्मेलन के नाम से या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से वो जानते हैं, जो 3 से 14 जून 1992 को आयोजित है वो हुआ था। इस जो सम्मेलन के अंदर है जो क्या किया गया था, पृथ्वी और उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थिति की संतुलन को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित है वो किया गया था। इसी सम्मेलन के अंदर है भूमंडलीय तापन की बात है वो कही गई थी, वन संरक्षण, जैव विविधता और एक एजेंडा 21 निर्धारित वो किया गया। क्या एजेंडा 21 निर्धारित वो किया गया था? एजेंडा 21 है ये याद रखना, 1992 में ब्राजील के रियो सम्मेलन के अंदर है एजेंडा 21 निर्धारित वो किया गया। एजेंडा 21 वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय आधारों पर उठाए जाने वाले कदमों को सूचीबद्ध वो करता है। एजेंडा 21 क्या है, ये जो वर्ल्ड लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर और लोकल जो लेवल के ऊपर है उठाए जाने वाले कदमों की सूचीबद्ध वो करता है, जिससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जो और अधिक टिकाऊ एवं स्थायी है वो उसके, यानी पृथ्वी पर जीवन और अधिक टिकाऊ है वो किस प्रकार से बनाया जा सके, इसके लिए एजेंडा 21 है। वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और लोकल लेवल के ऊपर है वो एजेंडा 21 निर्धारित है वो किया गया। अर्थात एजेंडा 21 क्या है, एक 800 पृष्ठीय दस्तावेज है जिसमें समुन्द्र, तापमान, जैव विविधता पर चर्चा हो की गई है तथा ऐसे रास्ते सुझाए गए हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास जो संभव हो, यानी एजेंडा 21 है उसके अंदर ही है पर्यावरण संरक्षण से को जो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए है वो कई कदम है उठाए हैं वो गए हैं। 1992 के रियो सम्मेलन में टिकाऊ विकास की आवश्यकता पर बल दिया हो गया, इसी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसके 10 साल बाद में 2002 में रियो+10 यानी +10 यानी रियो+10 सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के जो उबंटू गांव में आयोजित वो किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वो था पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त वो करना। अर्थात जो टिकाऊ विकास की आवश्यकता पर बल एक तो 1992 में रियो सम्मेलन में दिया गया और एक 2002 में जोहान्सबर्ग के अंदर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उस सम्मेलन के अंदर भी टिकाऊ विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा बल है वो दिया गया था। इस सम्मेलन में जो 2002 में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में टिकाऊ विकास पर गंभीर मंथन हुआ था। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया गया, यानी किस किस को संरक्षित करने का आह्वान किया गया था, एक तो जल, एक ऊर्जा, एक स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता को संरक्षण का आह्वान किया गया। ये विषय संक्षेप में जो है वो किसके नाम से, वेहेब के नाम से जाने जाते हैं, यानी इसमें देखो यहाँ पे वेहेब यानी W से बनता है वाटर, ई से बनता है एनर्जी, एच से बनता है हेल्थ, ए से बनता है एग्रीकल्चर और बी से बनता है बायोडाइवर्सिटी। और तो इस सम्मेलन में है वो क्या किया गया, वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण का आह्वान है वो किया गया था। इसके बाद पर्यावरण पर केंद्रित जितने भी सम्मेलन हुए उनमें हमेशा टिकाऊ विकास है मुद्दा रहा है। दोस्तों हम जो चर्चा है वो करते हैं सतत विकास से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 जो क्वेश्चन है उनके बारे में जो चर्चा है वो करते हैं। इसमें इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंधों पर विचार करने हेतु स्टॉक होम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो मानव पर्यावरण संबंधों पर विचार करने हेतु स्टॉक होम सम्मेलन है वो 1972 के अंदर आयोजित है वो किया गया। कब आयोजित किया गया था? 1972 के अंदर है, जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है वहाँ पर है 1972 के अंदर सम्मेलन आयोजित है वो किया गया। इसी सम्मेलन के अंदर है जो मानव पर्यावरण संबंधों पर सबसे पहले विचार है वो किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया, अर्थात वर्तमान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कब घोषित किया गया? ये 1972 में घोषित किया गया। कौन से जो सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ता है? तो स्वीडन की राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम में है। अगला अपना क्वेश्चन आता है, सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो सतत विकास की अवधारणा किसने है वो दी थी?
तो पहला है विल्सन आयोग, दूसरा हंटर, तीसरा मेकाले, चौथा बर्टलैंड आयोग। तो सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले बर्टलैंड आयोग ने वो दी थी, और इस बर्टलैंड आयोग ने ही सबसे पहले है 1987 के अंदर इस सतत विकास यानी टिकाऊ विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार है वो किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि सतत विकास जो आता है उस सतत विकास से क्या अभिप्राय है। तो पहला है संसाधनों का बिल्कुल दोहन नहीं करना, नहीं बिल्कुल ये बात तो गलत है कि संसाधनों का दोहन तो करना पड़ेगा। दूसरा, संसाधनों का बहुत कम दोहन करना। तीसरा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन है वो करना। और चौथा है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना। तो सतत विकास का सही अर्थ क्या होता है, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर है वो संसाधनों का दोहन करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास है वो कहलाता है। अपना अगला क्वेश्चन आता है सतत विकास में प्रमुखतया क्या सम्मिलित किया गया है। तो सतत विकास के तीन जो स्तंभ हैं, तीन आधार स्तंभ होते हैं सतत विकास में। एक तो क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, एक पर्यावरण संरक्षण और एक सामाजिक समानता। यानी हमें इस प्रकार से हमारे देश का आर्थिक विकास करना है जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचे और समाज में भी समानता है वो रहे। तो ये सतत विकास के तीन जो स्तंभ हैं वो होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमारा साझा भविष्य नामक पत्र किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया था। तो हमारा साझा भविष्य नामक जो पत्र है वो जो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो देखो ऊपर जो तीन हैं ये तीनों ही शिक्षा संबंधी आयोग हैं जो, और चौथा बर्टलैंड आयोग है तो ये पर्यावरण संबंधी आयोग है। तो हमारा साझा भविष्य नामक पत्र है बर्टलैंड आयोग ने है वो जारी है वो किया था। इसी जो पत्र के अंदर सतत विकास की अवधारणा है वो सर्वप्रथम है वो दी गई थी 1987 के अंदर। देखो ऊपर वाले दो तीन क्वेश्चन भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, मुदालियर आयोग। कोठारी आयोग का गठन है 1964 से में किया गया था, 1966 ने इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित वो की थी। और इस कोठारी आयोग ने है कोठियारी आयोग जो का अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी है वो था, जो राजस्थान के उदयपुर से है वो संबंध वो रखता था। और इसी कोठारी आयोग के आधार पे है वो सबसे पहले 1968 के अंदर है वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, और बाद में 1986 में नई शिक्षा नीति है वो घोषित वो की गई थी। अगला यशपाल समिति, यशपाल समिति है ने घोषणा की थी कि बिना बोझ के शिक्षा की बात है वो कही थी, और यशपाल समिति की सिफारिशों के आधार पर ही NCF 2005 जो है वो रिपोर्ट है वो तैयार है वो की गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रिपोर्ट तैयार है वो की गई थी। और अगला जो मुदालियर आयोग है ये इसका गठन 1952 में वो किया गया था, और माध्यमिक शिक्षा जो है उसका जो सबसे पहला आयोग कौन सा था, मुदालियर आयोग है वो था। देखो भारत का पहला शिक्षा आयोग, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग तो राधा कृष्ण आयोग है वो था, जो 1948 में है वो बनाया गया था, लेकिन वह विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित है वो था। उसी जो राधा कृष्ण आयोग की शिक्षा, राधा कृष्ण आयोग की अनुशंसा के ऊपर ही UGC का गठन वो किया गया था। और जो माध्यमिक शिक्षा को लेकर है 1952 में कौन सा जो आयोग बनाया गया था, मुदालियर आयोग, और इसमें ये बर्टलैंड आयोग है, ये बर्टलैंड आयोग है, बाकी तीनों शिक्षा आयोग और ये बर्टलैंड आयोग है पर्यावरण से संबंधित आयोग है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करंट में भी ये क्वेश्चन है आता है कि अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP 24 सम्मेलन आयोजित वो किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर कौन सा COP 24 सम्मेलन आयोजित है वो किया गया है। देखो जो कोप का मतलब होता है कोपेन हिंगन सम्मेलन। दोस्तों सबसे पहला कोप फर्स्ट जो सम्मेलन है 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर आयोजित है वो किया गया था, जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर आयोजित है वो किया गया था। जो आपके जो अभी हाल ही के अंदर है 2 से 5 दिसंबर 2018 को, 2 से 5 दिसंबर 2018 को है कोप सम्मेलन आयोजित वो किया गया है। कहाँ पे, जो पोलैंड का जो शहर है कटोविस, कौन सा, पोलैंड का कटोविस जो शहर है, और उस कटोविस शहर के अंदर जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सम्मेलन अभी आयोजित हुआ है। तो याद रखना दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ है, पोलैंड के अंदर कटोविस के अंदर है ये सम्मेलन 2 से 15 दिसंबर को, यानी कि इस दिसंबर माह के अंदर ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन के अंदर है जो पेरिस जो समझौता हुआ था, पेरिस जो सम्मेलन हुआ था उसी को आगे वो बढ़ाया गया था। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कोप फर्स्ट जो सम्मेलन मैंने कब बताया था, कोप फर्स्ट सम्मेलन 1995 के अंदर, और कोप जो 21 जो सम्मेलन है वो था ये जो 2015 के अंदर है वो फ्रांस के पेरिस जैसे शहर के अंदर जो है वो आयोजित वो किया गया था। और उसी पेरिस सम्मेलन
ने है पेरिस, पेरिस सम्मेलन में पेरिस करार हुआ था, उसी पेरिस करार ने 1997 में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्यूटो प्रोटोकॉल हुआ था उसका स्थान है वो लिया था। तो ये पेरिस सम्मेलन की, पेरिस समझौते की जो बातों को ये इसके अंदर है मुख्यतः है वो दोबारा है वो रखा गया था। तो दोस्तों धन्यवाद, इसी प्रकार से मैं आगे वीडियो है वो लेके आया है वो आता रहूँगा, आप है वो निरंतर मेरे जो चैनल को है वो जो कंटिन्यूस एग्जाम तक है वो देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।